परीक्षा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें बहुत होशियारी, चालाकी और समझदारी से काम लेना है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। और हमने इनके इसी खेल को नाकाम बनाना है। मगर डैड, मैं हूं ना। एक बार उस लड़के की फैमिली से मिलने में कोई मज़ाक़ा नहीं। तुम उनसे मिलो, बीजान और मुख्तार साहब को ये यकीन होना चाहिए कि तुम उनकी खुशी में खुश हो। तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं, तुम्हें उनका बहुत ज्यादा एहसास है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, अगर तुमने इस शादी से इस वक्त इनकार किया ना, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर तुम शादी से इनकार करती और मुख्तार साहब तुम्हारी शादी उस लड़के से जबरदस्ती करवाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम एक ऐसी बंद गली में आ जाएंगे जहां से निकलना और शादी से इनकार करना नामुमकिन हो जाए। ये हमारे लिए गोल्डन मौका है। इस वक्त घर में वहाज नाम का अड़ियल घोड़ा मौजूद नहीं। हम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। हम मुख्तार को डील कर सकते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? मुझे भरोसा है। लेकिन तुम्हारी उस लड़के से शादी कभी नहीं हो। बल्कि तुम्हारी शादी होगी वहाज से। वहाज के आने से पहले पहले मुख्तार तुम्हारी और वहाज की शादी उसकी गैर मौजूदगी में फिक्स कर दे। समझ रही हो ना तुम दोनों मेरी बात?